दीदी, आई एम सॉरी टू ऑल द फीमेल्स इन दिस लाइव रूम राइट नाउ बिफोर आई एम गोइंग टू शो दिस टू यू। ठीक है, चलिए माफ किया एडवांस में। मैं एक अलहजर यूनिवर्सिटी का फतवा दिखाने लगा हूं आपको, जो के उनके लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर प्रेजेंट किया गया। मॉडर्न है, आप देख सकते हैं कि ये वाली खातून मुसलमान होने के बावजूद एक मुसलमान लिबास में नहीं है। इन खातून का नाम है हाला। इस शो के बाद इनको पनिश किया गया था। ये क्या कह रही हैं पहले सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूं। इंग्लिश में नीचे ट्रांसलेशन है, अरबिक के अंदर है अलहजर यूनिवर्सिटी, अलहजर के फतवा उनके स्कॉलर का, शेख शायूख के साथ बात कर रही हैं लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर। فتوى ارضاع زوجات رجال الاعمال للخدم حلال. وصولت سعادتك، ما فهمتش فقلبت، عشان ما فهمتش قلبت الجورنال. العنوان بيقول فتوى يجب على زوجات رجال الأعمال أن ये खातून पढ़ भी नहीं सकी फतवा। ये खातून फतवा पढ़ भी नहीं सकी। उन्होंने पेपर उठाया और दिखा दिया। तीन दफा उन्होंने पढ़ा, पहली स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा फतवा के जो औरतें, जो बीवियां, जो औरतें वर्किंग वुमेन हैं, उनको क्या करना चाहिए क्योंकि वो घर से बाहर निकल रही हैं। उन्होंने फतवे के अंदर वाले पेज पे कहीं सफे के बड़ा फतवा लिखा हुआ है, उसके अंदर जाके फिर उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, वो पढ़ भी नहीं सकी। What is the fatwa? अभी हम आगे चलेंगे। फतवा ये है कि मोहम्मद साहब के जमाने में एक खातून आई मोहम्मद साहब के पास, उम्मे सलमा, और वो आके उन्होंने कहा कि मेरे खावंद को अब बहुत एतराज है कि तुमने एडॉप्शन खत्म कर दी है। तो हमारे पास एक एडॉप्टेड सन है, एक नौकर है जिसको हमने बेटा बनाया हुआ था, एडॉप्टेड सन है, अब वो बड़ा हो चुका हुआ है, उसकी मूछें आ चुकी हैं, वो अब जब हमारे घर में काम करता है तो मेरा जो खावंद है उसको मसला होता है, उसके चेहरे पे डिस्गस्ट होता है क्योंकि तुमने अब एडॉप्शन खत्म कर दिया, लिहाजा वो बेटा नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं। मोहम्मद साहब ने कहा उसको अपनी छाती से पिलाओ दूध, दूध रजा, ब्रेस्ट फीड करो। अब आप बात कर रहे हैं एडल्ट मैन की ब्रेस्ट फीडिंग बाय एडल्ट वुमेन। या मैंने पढ़ा है, तो आली सिन्हा में भी है इंसिडेंट। सही, ये वहीं से आ रहा है ना, नबी पाक से ही आ रहा है, हजरत मोहम्मद से। जी 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 इसके ऊपर आज की दुनिया में फतवा डाला गया अलहजर यूनिवर्सिटी में कि जितनी भी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं उनको, जो जो लोग उनके साथ होते हैं उनको ब्रेस्ट फीड करवाना जरूरी है। क्या अब, जी दैट्स द फतवा। मतलब अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं और आपके 100 मेल कॉलीग्स हैं, 100 मेल कॉलीग्स को ब्रेस्ट फीड करेंगे आप? हर एक को 5 दफा आपका ब्रेस्ट फीड करना है। Doesn't make sense by any standards. Okay, let's see what she says. ये तो lunacy के हद के पार की बात है भाई। Let's see what she says. ملخصها ان الزوجة التي تتعامل مع غرباء وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہے، میرا جو کک ہے، اور ابھی وہ کہے گی میرے جو کیمرہ مین ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. تاکہ آپ ان کو بریسٹ فیڈ کراؤ تاکہ وہ آپ کے محرم بن جائیں اور آپ کی اولاد کی طرح ہو جائیں. Look at her face. الحقني الحقني الحقني.
अब वो चीख रही है, मेरी मदद करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मेरी मदद करो इमाम, मेरी मदद करो, ये क्या लिखा हुआ है? اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه؟ कैरी मैं क्या करूं, मेरे ये इतने कैमरा मैन है, ये मेरे ड्राइवर है, मेरा शोफर, क्या, क्या, क्या करूं, क्या करूं इन सबको मैं अपनी क्या करूं, यू नो? अब देखे ये हंस दिया मोहम्मद साहब की हदीस के। जी जी सॉरी सिस्टर, नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट एज इफ ओनली लिटिल चिल्ड्रन आर सकल्ड ऑन ब्रेस्ट। आई मीन सकलिंग ऑन ब्रेस्ट इज क्वाइट अ मेल ऑब्सेशन एनीवे। So you are actually feeding into male fantasies. Yeah, exactly. And sickly male fantasies. Look at the guy. बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जब किसी स्त्री के सामने खड़े होते हैं, उनकी निगाहें अक्सर ब्रेस्ट पे ही रहती हैं और कहीं नहीं। तो they are unable to, especially if the woman is attractive and is, you know, as a shapely body. तो यू एक्चुअली फीडिंग इनटू मेल फैंटेसी। वो बच्चे नहीं बनेंगे, कुछ और ही बनेंगे। हदीस के अंदर आया कि जब ये कहा गया, उस खातून ने रिप्लाई किया, बट ही इज ए एडल्ट मैन, हाउ कैन आई ब्रेस्ट फीड हिम। तो मोहम्मद साहब मुस्कुरा दिए, ये लिखा हुआ है हदीस में, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से ये इमाम मुस्कुरा दिया है, जिस तरह इसके चेहरे पे मकरो फ्रेड से भरा हुई हंसी है ना, और ये मुस्कुरा के क्या कह रहा है सुनिएगा। ये कहता है वही करो ना जो लिखा हुआ फतवे में। हाउ डिमोनिक इट इज यार, हाउ डिमोनिक इट इज। कितना डीमन पोजेस किस्म का आपको होना पड़ेगा इस किस्म की बकवास को एक्सेप्ट करने के लिए, इमाम होके आप कह रहे हो वही करो ना जो लिखा हुआ है। डू एग्जैक्टली व्हाट्स रिटन, लुक व्हाट ही सेज। करो ना वो जो न्यूज़पेपर में लिखा, जो फतवा में लिखा है। हे भगवान, दे आर नॉट इवन एम्बैरस्ड। यू नो दैट इज अनदर थिंग दैट डिफरेंशिएट्स इस्लामिस्ट फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज, व्हिच इज बाकियों को आप अगर ये यू इफ यू होल्ड अ मिरर यू कैन एम्बैरस देम, यू कैन शेम देम। यहां वो सवाल ही नहीं है क्योंकि वो तो पैगंबर के रास्ते पे चल रहे हैं। सो फक्र है उस पे। यू कैन नॉट एम्बैरस एंड यू कैन नॉट शेम इस्लामिस्ट। दैट टू माय माइंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट ह्यूमैनिटी फेसेस टुडे। जो हम बहुत बड़े बड़े अपराध, जघन्य अपराध समझते हैं, वो उनको सिर्फ जायज ही नहीं, डिजायरेबल कॉन्डक्ट समझते हैं। क्या करेंगे आप?